हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई गुजराती स्पेशल दाल ढोकले की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस डिश है, तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, उसमें हम 1/2 कप तुवर दाल और 1/4 कप मूंग की दाल ऐड करेंगे। ये बिना छिलके वाली दाल है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करके वॉश कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने दोनों दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसमें हम दाल को ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें 2 बड़े ग्लास जितना पानी ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, उसे इसके ऊपर ऐसे ही रख दिया है। अब हम इसमें 1/3 कप के करीब मूंगफली के दाने ऐड करेंगे। अब इसका ढक्कन लगाकर इसे 3 से 4 विसल तक कुक कर लेते हैं। ये कुक हो रहा है तब तक हम ढोकले के लिए आटा प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने 3/4 कप बेसन लिया है और 3/4 कप गेहूं का आटा लिया है। अब हम इसमें अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स ऐड करेंगे। अजवाइन को हम इस तरह से दोनों हाथों से मैश करके ऐड करेंगे। अब मसालों में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, नमक और गरम मसाला ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड कर देते हैं। अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका आटा प्रिपेयर करेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि हमें इसमें बहुत ही कम पानी ऐड करना है। यहाँ पर हमारा जो आटा है वो ना ही ज्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो आटा है वो बनकर रेडी हो चुका है। इसके लिए यहाँ पर मुझे 1/2 कप से भी कम पानी लगा है। अब यहाँ पर मैं अपने हाथों को ऑयल से इस तरह से ग्रीस कर लूंगी और फिर इसे एक बार आटे को गूंथ लूंगी, ताकि ये सॉफ्ट आटा बन जाए। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो आटा है वो इस तरह का होना चाहिए। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। अब यहाँ पर कुकर का प्रेशर रिलीज हो चुका है। अब हम देख चेक कर लेते हैं कि हमारी जो दाल है वो अच्छी तरह से कुक हुई है या नहीं। देख सकते हैं हमारी जो दाल है वो अच्छी तरह से कुक हो चुकी है और हमारी जो मूंगफली के दाने हैं वो भी अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। इसमें 1 ग्लास के करीब पानी ऐड करेंगे और फिर इसे ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लेते हैं। देखिए, अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, उसमें हम 1 बड़ा चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। जैसे ही हमारा घी गर्म होता है, हम इसमें ऐड करेंगे सरसों के दाने, जीरा और कुछ खड़े मसाले जैसे कि तेज पत्ता, चक्रीफूल, लौंग और दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे और 10 से 12 कड़ी पत्ते ऐड करेंगे। जैसे ये सारी चीजें चटक जाए, अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च और यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज का आलू लिया है, जिसे मैंने ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लिया है। इसे भी इसमें ऐड कर देते हैं और इसे 1 मिनट के लिए सारी चीजों को हम भून लेते हैं। देखिए, ये सारी चीजें अच्छे से भून चुकी है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, जिसे मैंने ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लिए हैं और इसके छिलके निकाल दिए हैं। इसे भी हम इसके साथ मिक्स कर लेते हैं। अब हम मसालों में नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर
और धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब तक कुक करेंगे जब तक कि हमारा जो घी है वो सेपरेट ना हो जाए। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो घी है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। अब हमने जो दाल को बॉईल करके ग्राइंड करके रखा है उसे इसमें ऐड कर देते हैं। अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब देख सकते हैं कि हमारी जो दाल है वो अभी भी बहुत ही गाढ़ी है और इसमें ढोकली ऐड करने के बाद ये और गाढ़ी होगी, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। दाल की कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम दाल को बॉईल होने देते हैं, तब तक के लिए हम ढोकली को प्रिपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो आटा है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। यहाँ पर हम आटे को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे और इसके होल्स बना लेते हैं। इस तरह से हम इसे गोल गोल घुमाते जाएंगे और पेड़े जैसा बना लेते हैं। इसी तरह से बाकी के दो बोल्स भी बना लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने चकना लिया है, इसके ऊपर हम सूखा आटा स्प्रेड करेंगे और फिर हमारी जो लुई है उसे रख देते हैं। अब हम बेलन की हेल्प से इसे गोल रोटी के शेप में बना लेते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि हमें पतली रोटी जैसा बनाना है, ये ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं कि हमारी जो रोटी है वो बनकर रेडी हो चुकी है और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, इस तरह की होनी चाहिए। अब हम इसे नाइफ की हेल्प से कट लगा लेते हैं। यहाँ पर मैं इसे स्क्वेयर शेप में कट कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि हमारी जो ढोकली है वो कितनी अच्छी तरह से बनकर रेडी हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स हमारी जो दाल है वो बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हमने जो ढोकली बनाई थी उसे इसमें ऐड कर देते हैं। पर ध्यान रहे फ्रेंड्स कि हमें इसे एक एक करके ही ऐड करना है, वरना क्या होगा कि ये दाल के अंदर जाते ही सारी चिपक जाएगी एक दूसरे से। अब यहाँ पर हमने सारी ढोकली ऐड कर दी। अब हम इसे एक मिनट के लिए ऐसे ही बॉईल होने देंगे, तब तक के लिए हम दूसरी रोटी बेल कर रेडी कर लेते हैं। एक मिनट बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी जो ढोकली है वो बिल्कुल अलग अलग है, एक दूसरे के साथ चिपकी नहीं है और टूटी भी नहीं है। और अब हम इसमें बाकी की दो रोटियां भी बेलकर इसी तरह इसमें ऐड करते जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने तीनों रोटियां बेलकर इसमें ऐड कर दी है। अब हमने जो मूंगफली के दाने को बॉईल किया था इसे भी इसमें ऐड कर देते हैं, लेकिन उसका जो पानी है वो मैंने निकाल दिया है। हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे 10 से 12 मिनट के लिए बॉईल होने देते हैं कि हमारी जो ढोकली है वो अच्छी तरह से कुक हो सके। 10 मिनट बाद आप चेक कर सकते हैं कि हमारी जो ढोकली है वो अच्छी तरह से कुक हो चुकी है और वो
दाल के ऊपर फ्लोट होने लगी है। 1/4 कप के करीब इमली का पल्प ऐड कर देंगे। आप यहाँ पर इमली के पल्प की जगह पर नींबू का रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर हम टेस्ट को बैलेंस करने के लिए इसमें 2 बड़े चम्मच गुड़ ऐड कर देते हैं। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे 1 से 2 मिनट के लिए और कुक होने देते हैं। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, हमारा जो गुड़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है और इमली भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी यम्मी एंड टेस्टी दाल ढोकली बनकर रेडी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी डिलीशियस लग रही है ना, ये टेस्ट में भी उतनी ही अच्छी है। इस हेल्दी और टेस्टी डिश को जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।